एक स्वर में कहा, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो खुद ही वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है, झाड़ू चलाने का काम, झाड़ू चलाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों, अहंकार में मत रहो। 400 सांसद तुमने दिल्ली में लगाए, मोदी जी अमित शाह जी की फोटो लगाई, नड्डा जी को चुनाव का प्रभार दिया, 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री लगाए, बावजूद इसके दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जिताया। और देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं एक भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ हाँ इतने परसेंट वोट। अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले हम 80 सीट ज्यादा जीते हैं, 80 सीट ज्यादा जीते हैं। यह बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल, दिल्ली का लाल, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। अब मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का, भारत माता की। वैसे तो हाथ ऊपर करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी माँ भारती के जितने बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके हाथ ऊपर करेंगे। सब लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों ने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास दिल्ली के अंदर से जो एक नई शुरुआत हुई है। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है। आप जानते हो मार्च के महीने में एमसीडी का चुनाव होने वाला था, यहां हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए, मार्च के महीने में गली गली में गर्मी में कोई ऐसा चप्पा चप्पा नहीं था जहां पर आप सब लोग जनता के बीच में नहीं गए थे।
आज जो परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में उस समय भाजपा हार रही थी। भाजपा ने, आपको याद होगा, देश के अंदर पहली घटना है जब चुनाव आयोग के अंदर पहली घटना है जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आधे घंटे पहले होम मिनिस्ट्री से फोन आता है अमित शाह जी का, और चुनाव की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें चुनाव आयुक्त कहते हैं कि चुनाव टाल दिया गया, हार के डर से एकीकरण का बहाना बनाया गया, चुनाव से भागी भाजपा। उसके बाद भाजपा ने षड्यंत्र रचा, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया गया, हमारे मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर घर पर छापा मारा, बैंक में छापा मारा, गांव में छापा मारा, देश के अंदर चप्पे चप्पे पर छापा मार करके खंगाला गया, डेली बदनाम करने की, अपमानित करने की कोशिश की गई, बीजेपी भागती रही। फिर उसे लगा अब तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में बिजी हैं, इसलिए चुनाव का दांव चल दो। भाजपा वालों, तुम भागते रहे भागते रहे भागते रहे, जनता ने तुम्हें अस्थायी तौर पर दिल्ली से एमसीडी से भगा दिया है और जनता ने यह फैसला ले लिया है। कूड़े का नाम लेते ही करंट लगता था इनको, चाहे वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो और चाहे गली के अंदर भाजपा का कैंडिडेट हो, जनता ज्यों कूड़े का नाम लेती थी त्यों वो तिहाड़ का वीडियो लेकर के आते थे, ज्यों जनता कूड़े का पहाड़ का नाम लेती थी वो जो मनीष सिसोदिया जी का लिस्ट लेकर आते थे, इतने का घोटाला हो गया, इतने का घोटाला हो गया। भाजपा यो दिल्ली वाले ने फैसला कर दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, तुम्हारे पार्षदों ने लिंटर में वसूली की, लिंटर में भ्रष्टाचार किया, उसका ये लिए जो जनता ने जवाब दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, दिल्ली के लोगों ने हम लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर, आपके ऊपर भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपा ही कह रहे हैं जीत तो आम आदमी पार्टी को दिया है जनता ने, मेयर हम बनाएंगे। भाजपा के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला पहले भी किया है और तुम्हारे हर षड्यंत्र का मुकाबला अब भी करेंगे। याद होगा भाजपाइयों को, जब पहली बार हम लोग 28 सीट जीत करके आए थे, 28 सीट जब पहली बार जीत करके आए थे, बहुमत हमारे पास नहीं था, लेकिन एक साल तक हमारे विधायकों को खरीदने के लिए रगड़ मारते रहे, रगड़ मारते रहे, रगड़ मारते रहे, बाल का बांका नहीं हुआ। परिणाम क्या निकला जब चुनाव हुआ, 68 सीट आम आदमी पार्टी जीत करके आई, 68 सीट। ये धमकी दे रहे हैं, हम धमकियों से तुम्हारे डरते नहीं है, अरे तुम्हें हमें जेल में डाल दो, मुकदमे जितना मर्जी उतना लगा लो, जितना मर्जी उतना बदनाम कर लो, हम न झुकने वाले हैं न मिटने वाले हैं। कल भी आंख से आंख मिला करके आपसे लड़ते थे और कल भी आंख से आंख मिला करके लड़ेंगे। आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, खून से अपने पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी का, वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे बहुत बहुत बधाई। यहाँ खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई, और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे, यहाँ आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स में देख रहा हूँ, आप सबको भी, सभी एमएलए को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई।
आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। यह सिर्फ जीत नहीं है, यह सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। मैं आगे के लिए अब अपने भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री मानजोग भगवंत मान जी को बुलाना चाहता हूं, वो भी अपने दो शब्द यहां पे रखें। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है, तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। आज एक प्रवक्ता, बीजेपी का पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल, एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया, जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना, कल भी उतने बजे उठना है। और कल जब 8:15 बजेंगे आपको, नहीं वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूँ, धन्यवाद भाई साहब, आ तो गए यहाँ। वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक, एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे रुझानों तक। एक चैनल देखा आज मैंने, वो 3 बार, उसकी एंकर जो थी, 3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, जब आप वो कह रही है नहीं 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 ये आंकड़े तो गलत थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप? हद है, कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा है। और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, और जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अरविंद जी निकले, वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। देखिए, हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं।
कि 1 जुलाई से हमने गारंटी दी थी, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली के बिल हमने फ्री किए, 75 लाख मीटर हैं उसमें से 61 लाख मीटरों को बिजली का बिल जीरो आया जी। और अगला 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 दिसंबर का बिल 67 लाख, जो 67 वाला हमारा आंकड़ा नहीं है जब पहली बार 70 से जीते थे, 67 लाख घरों को जीरो बिल आएगा। जनवरी का नए साल का तोहफा पंजाबियों के लिए यह होगा आम आदमी पार्टी का, 71 लाख घरों को जीरो बिल आएगा सर। और ये हम हवा में नहीं बताते कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा वगैरह वगैरह, हम तो करते हैं भाई, हम 15 लाख नहीं, हम तो ये कहते हैं आपकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, आपका स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली फ्री हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और महिलाओं के लिए हमने अलग से सम्मान राशि रखी हुई है, और बाकी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लेवल के हो जाएंगे। देखो हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो बोलते रहते हैं एक सिर्फ 25 सेकंड के लिए, आप अपने दिल की भड़ास चीख मार कर जो निकालना चाहते हो निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल, भारत माता की, इनकलाब।